स्वागत है गाइस टेकेवी चैनल पे। तो गाइस बिग बिलियन डे सेल शुरू होने वाली है 28 सितंबर से लेके 7-8 अक्टूबर तक। आपको सारे डील्स ना रिवील हो जाएंगे सारे ब्रांड्स की, एप्पल की, सैमसंग की, शाओमी की, वीवो की। बट अभी 27 सितंबर को अभी बीबीडी सेल का एक पेज लाइव हुआ है जहाँ पे कुछ स्मार्टफोन पे जो डील है रिवील हो गई है, और उनमें से ना कुछ स्मार्टफोन तो बिल्कुल ही बेकार है। बिल्कुल गलती से भी मत खरीद लेना भाई, आपको दिखाने वाला हूँ लैपटॉप स्क्रीन पे, तो ये ध्यान रखना। एक या दो स्मार्टफोन ही मेरे को ऐसे लगे जो डील में अच्छे हैं, आप उनकी तरफ देख सकते हो, बट बाकियों की तरफ गलती से भी मत चले जाना, खरीद मत लेना, ठीक है। इसके अलावा जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जब भी मेरे को ऐसी कोई डील दिखती है ना जो फटाक से आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए वहाँ पर मेरे को एक लैपटॉप दिखा था फ्लिपकार्ट पे, i7 उसमें प्रोसेसर था, 16 GB रैम थी, और वो आपको सिर्फ 55,000 रुपये मिल रहा था लेनोवो का लैपटॉप। तो मेरे को काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी वो डील लगी और मैंने वो उसका लिंक तुरंत कॉपी करके टेलीग्राम पर डाल दिया। तो ऐसी ही आप डील्स देखना चाह रहे हो सेल के अंदर, मेरे को कोई लगे कोई आईफोन की बहुत अच्छी डील आ रही है, कोई सैमसंग की डील अच्छी आ रही है, तुरंत मैं वहाँ पर डील डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है बट टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो आपको लैपटॉप पे दिखाता हूँ क्या डील अभी फ्लिपकार्ट ने निकाले और क्या चीज आपको बचना है, कौन से फोन आपको नहीं लेना है, ठीक है। सामने आप देख पा रहे होंगे मैंने फ्लिपकार्ट लॉग इन कर लिया है और इनका जो बीबीडी वाला पेज है ना 27 सितंबर को कौन कौन से डील्स है वो यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले इन्होंने मार्केटिंग करी है सैमसंग के F13 की, मत लेना। ये दिखा रखा है 15,000 का आता था, 9,200 में मिल रहा है, मत लेना इस प्राइस में, ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 7, यदि आपका बजट बहुत ही कम है, आपको 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ चाहिए तो आप जा सकते हो, अदरवाइज मेरा रिकमेंडेशन है बिल्कुल मत लो। ओप्पो A17 बिल्कुल नहीं, रियलमी C55 बिल्कुल नहीं, मोटो G32 भी मतलब नहीं है 9,000 में, वीवो V29 ओवर प्राइज्ड है, पोको M5 आप यदि पोको लेना चाहते हो तो देख सकते हो। गाइस यहाँ पे नथिंग फोन 1 ये आप देखो 24,000 रुपये का मिल रहा है आपको, ठीक है। 24,000 में आप इस डिवाइस की तरफ देख सकते हो, इसमें स्नैपड्रैगन का 778G वाला प्रोसेसर है, आपको 5.5 के आसपास एंड्रॉइड स्कोर दिख जाता है, कैमरास ठीक है, प्राइस के हिसाब से अच्छा है, आपको एकदम जो स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस आपको उसमें देखने को मिलेगा, और कैमरा भी आपको 2 मिल रहे हैं इसके अंदर, जो प्राइमरी कैमरा है 50 MP का है और जिसमें आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिलेगा, तो दोनों अच्छे परफॉर्म करते हैं। प्राइस रेंज के हिसाब से 24,000 में ये अच्छी डील है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देखो इन्फिनिक्स का हॉट 35G ये बोल रहे हैं कि आपको 11,500 रुपये में मिल जाएगा, तो आप इस डिवाइस की तरफ भी देख सकते हो, यदि आप इसके स्पेसिफिकेशंस देखोगे ना तो सही है यार, आपको 6,000 mAh की बैटरी मिल रही है, डायमेंशन 6020 का प्रोसेसर मिल रहा है, 8 GB रैम मिल रही है, 128 GB स्टोरेज मिल रहा है, तो यदि आपका बजट 10 से 12,000 रुपये का है तो इसकी तरफ भी आप देख सकते हो। रेडमी नोट 12 मत लेना, भले ही इसमें आपको 120Hz का एमोलेड मिल रहा है, लेकिन रेडमी नोट 12 के अंदर ना आपको यदि मैं देखूँ यहाँ पे तो यहाँ पे आपको ये आई थिंक स्नैपड्रैगन 685 आपको लगा के दे रहे हैं, और 685 4G प्रोसेसर है, 5G प्रोसेसर नहीं है, तो ये ध्यान रखेगा। भले ही इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है बट स्नैपड्रैगन 685 4G है तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो गाइस यहाँ पे 2G है, 3G है, 4G है, तो मत लेना भाई, गलती से भी ये फ़ोन मत खरीद लेना, ठीक है। इसके बाद गूगल पिक्सल 7 बहुत अच्छी डील है, यदि आपको 36,500 में ये फ़ोन मिल जाता है, बस ये ध्यान रखना ये गूगल का जो टेंसर G2 वाला प्रोसेसर है वो गर्म होता है, तो ये ध्यान रखना ज़्यादा टाइम तक 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे, बट यदि आप गूगल पिक्सल के फैन हो तो ये इस प्राइस रेंज में ना बहुत अच्छी डील है, ठीक है। रियलमी 10 प्रो 5G 16,000 रुपये का मिल रहा है, इसको भी मैं आपको बोलूंगा स्किप करो, क्यों स्किप करो, एक तो इसमें LCD डिस्प्ले है और स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर है जो कि आपको 16,000 रुपये में मिल रहा है, इससे अच्छा तो आप सैमसंग का M34 5G खरीद लो, आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है उसके अंदर और आपको एक्सिनोस का जो प्रोसेसर है अच्छा परफॉर्म करता है, OIS वाला कैमरा भी है, वो मच बेटर डील है। मोटो G14 भी मत लेना, ओप्पो रेनो 10 प्रो 5G मत लेना, ठीक है। तो अभी तक इस पेज के अंदर सिर्फ इतनी ही डील्स इन्होंने एक्सप्लोर करी है, बाकी इन्होंने बता दिया है कि सैमसंग का फोन आने वाला है S21 FE 5G, ये भी 45,000 के आसपास लॉन्च होगा तो उसमें ओवर प्राइज्ड है तो ये भी मत खरीद लेना, भले इसमें स्नैपड्रैगन 888 है। यदि आप बात करोगे इसका एक्जिनोस वेरियंट की ना जो आता है हमारे 2100 एक्जिनोस के साथ, तो उसका जो एंटीटू स्कोर है वो 7 लाख के आसपास आता है, तो ये आपको 7.5 लाख या 8 लाख तक दे देगा, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसके लिए आप कम से कम 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपको एक्जिनोस वाला वेरिएंट ना इस सेल के अंदर आराम से 28 से 29,000 में देखने को मिल जाएगा, तो ये 45,000 इसके लिए पे करना कोई सेंस नहीं बनता। वीवो T2 प्रो 5G आपको दिखा रहा है यहाँ पे, वो भी लॉन्च होने वाला है, वो भी आप खरीद सकते हो, क्योंकि वीवो T2 प्रो YQZ7 प्रो दोनों सेम है, यदि आपका बजट 20,000 से ऊपर है। मोटो H40 नहीं, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, पिक्सल 8 की सीरीज का जो प्राइस अभी तक रिवील हुई नहीं है, ठीक है। सैमसंग का F34 5G और M34 5G बराबर है, तो यदि आपको 17,000 या 16,000 रुपये तक देखने को मिलता है डिवाइस, तो ये आप डिवाइस ले सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो डील्स अभी रिवील हुई नहीं है, बट जो रिवील हुई है ना अभी वो कुछ काम की नहीं, उसमें सिर्फ दो ही काम की, एक तो हमारा जो नथिंग फोन 1 है यदि आपको ये खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, और गूगल पिक्सल 7 खरीद सकते हो भाई, उसके अलावा कोई फोन खरीद मत लेना, सब बेकार है, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ इसके बाद आप बेकार सा फोन नहीं खरीदोगे, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ, और वहाँ पे आपको ना जो भी मेरे को कोई डील दिखेगी ना बहुत ही अच्छी लग रही है तो वहाँ पे मैं डाल दूंगा, और आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आप उसको खरीद पाओगे, ठीक है।
तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कोई भी डाउट ऑफ बिजनेस तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।